हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं यहाँ पे ढाबा स्टाइल दम आलू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही यमी होती है और सबको बहुत पसंद आती है, क्योंकि ये वाकई में बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिया था पहले से, तो 7 से 8 आलू को मैंने बॉयल किया हुआ है। और इसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर और हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक लेकर मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी पहले से ही सारे मसाले, क्योंकि अच्छे से ये इसमें कोट हो जाएंगे, तो फिर जब भी हम फ्राई करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और ये यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। और ये जो रेसिपी होती है, ये बनती तो है सरसों के तेल में, तो इसीलिए मतलब मैं हमेशा जो दम आलू होती है ना, वो हमेशा मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने 4 चम्मच सरसों का तेल लिया हुआ है। और जब तेल सरसों का अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, क्योंकि ये बहुत ही मतलब येलो कलर देता है, तो इसको पहले अच्छे से पकाना होता है। जब ये अच्छे से तेल पक जाता है, तो ही उसके बाद में हम जीरा डालते हैं। और जब तेल मेरा गर्म हो गया है, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा। और जीरा जब अच्छे से पक जाएगा, तो इसमें मैं डालूँगी कुछ खड़े मसाले, जैसे कि लौंग और काली मिर्च और छोटी इलायची, और ये एक बड़ी इलायची मैं डालूँगी। और इन्हीं मसालों को जब अच्छे से भूनने के बाद, मैं इसी इसी में डाल दूँगी ये आलू जो मैंने बॉयल करके और ये सारे मसाले मिक्स किए हुए थे, तो ना मैं इसी में डाल दूँगी इसको फ्राई होने के लिए। और इसे मैं एकदम रेड होने तक ही पकाऊँगी। जब ये बहुत अच्छे से पक जाएंगे, तो मैं इनको निकाल लूँगी। और अभी मैं इनको अच्छे से काफ़ी ढक ढक के पकाऊँगी, काफ़ी लाल हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाएगा, उन खड़े मसालों का भी आएगा। और ये देखिए, अब ये थोड़ा थोड़ा सा ना लाल होने लगा है, तो काफ़ी अच्छा इसमें कलर भी आ जाएगा। ये देखिए, काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है इसका, मेरे आलू का। और तभी ये लगेंगे ना कि एकदम ढाबा स्टाइल दम आलू बनने हैं मेरे। और अभी ये मैंने प्याज काट के रखा हुआ है, 2 बारीक प्याज काटे थे मैंने, और ये टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था मैंने, और ये कैच का गरम मसाला है जो कि मैं सबसे लास्ट में ऐड करूँगी, और ये प्याज का पेस्ट है। और इसमें मैं कुछ अच्छा फ्लेवर आने के लिए मैं इसमें सब्जी मसाला भी डाल दूँगी। तो ये इधर आलू मेरे काफ़ी अच्छे से लाल हो गए हैं, तो एक एक करके मैं इनको बर्तन में निकाल लूँगी। और उसी तेल में मैं ना थोड़ा सा और तेल ऐड कर दिया था, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। और प्याज को मैं अच्छे से ब्राउन होने तक पकाऊंगी, ब्राउन नहीं कह सकते, काफ़ी अच्छे से मैं एकदम जब रेड रेड हो जाएगा, तभी मैं इसमें बाकी के सारे मसाले ऐड करूँगी। काफ़ी अच्छे से पकाऊँगी मैं प्याज को, और क्योंकि ये दम आलू है, तो इसमें सारे मसालों का अच्छे से फ्लेवर आना चाहिए, तो काफ़ी देर तक इसको पकाना होता है। और प्याज अभी देखो पक रहा है धीरे धीरे करके, तो बाकी मैं इसको चलाते रहूँगी अच्छे से। ये देखिए, और प्याज अभी पक रहा है, टाइम है पकने में, तो मैं इसको चलाती रहूँगी, काफ़ी अच्छे से पकाना है क्योंकि। और इसी में मैं ऐड कर दूँगी ये 1 चम्मच धनिया, सॉरी धनिया नहीं, हल्दी पाउडर अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसमें ये लाल मिर्च का पाउडर है ये, तो इसे मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ही ऐड कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये कलर वाली नहीं है, प्योर लाल मिर्च का पाउडर है। और इसमें मैं 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करूँगी। और बाकी ये सारे मसाले हो गए हैं, तो फिर से इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद अच्छे से पकाएंगे, तेल में भूनना है काफ़ी रेड होने तक, इन सारे मसालों को भूनते रहना है। और ये देखिए, काफ़ी अच्छा कलर भी आ गया है इसका। और ये देखिए, ये पक रहा है, और इसको पकने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये टमाटर की जो प्यूरी थी मैंने बनाया था, 2 टमाटर थे मेरे, और उसका मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, तो अभी वो प्यूरी भी मैंने ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद इसको भी मैं अच्छे से पकाऊंगी काफ़ी देर तक,
ताकि इसका भी फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और ये दही है तो दम आलू में दही तो ऐड करना होता ही है, क्योंकि उससे बहुत अच्छी सब्जी बनती है, ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच ले लिया है दही का, और इसको बस ऐसे चलाते रहेंगे क्योंकि इससे ग्रेवी फट जाएगी ना, तो इसको ऐसे चलाते रहना होता है, बार बार चलाते रहना है। और ये देखिए दही डालने से कलर भी बहुत प्यारा हो गया है, ये देखिए। और अभी मैंने इसको ऐसे ही ना छोड़ दिया है पकने के लिए, तो ये ऐसे पकता रहेगा। और मुझे यहाँ पे मैंने अब लास्ट में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दिया है, और बस छोड़ दिया है सब्जी को पकने के लिए बॉयल आ जाए। तो बस मैं अपने ये जो आलू हैं इनको ऐड कर दूँगी एक एक करके, और बस आप इनको चाहो तो थिक रख सकते हो ग्रेवी को, और आप चाहो तो थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हो। काफ़ी अच्छा लग रहा है ना देखने में, लग रहा है ना ढाबा स्टाइल दम आलू। तो बस बनके रेडी हो गया। और ये जो मसाले थे ना मिक्सी में जार में, मतलब उनको भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसी में ऐड कर दिया है, क्योंकि जो टमाटर की प्यूरी थी वो इसमें डाल दिया था, और बाकी का जो था वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है। और ये देखिए, और अगर आप चाहो ना चावल से खाना तो इसमें थोड़ा सा ग्रेवी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा हुआ है। और अभी मैंने इसको बस थोड़ी देर के लिए ढक दिया था पकने के लिए, और लास्ट में बस पक गया तो मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है, और बस सब कुछ अब डन हो गया है, मतलब अब कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं चावल बिनने लगी थी अब, क्योंकि मुझे चावल भी बनाना है इसके साथ में, और रोटी बनानी है। तो बस मैं चावल बना लूँगी, उसके बाद मम्मी का जो काम है ना वो रोटी बनाने का मम्मी करेंगी। तो साइड में मम्मी भी आटा गूँथने लगी थी, मम्मी भी बनाएंगी, और बस मम्मी रोटियां बनाएंगी, और उसके बाद मेरा जो लंच है ना वो रेडी हो गया है। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है कलर इसका। और बाकी इसमें मैंने ना कुछ अलग से ऐड नहीं किया हुआ था, कोई भी कलर वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था, बट फिर भी देखने में बहुत प्यारा लग रहा था इसका कलर। और यहाँ पे मम्मी निकाल रही हैं रोटी, और बस उसके बाद मेरा जो लंच है ना वो पूरा रेडी हो गया है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ साड़ियाँ ऑर्डर की हुई थी जो कि मुझे रिसीव हो गई हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो मैंने ऑर्डर किया हुआ था वो कैसा गया, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और एक साड़ी मुझे आज रिसीव हुई है, और बाकी की साड़ियाँ मुझे परसों रिसीव हो गई थी। तो टोटल मैंने 2 पहले ऑर्डर की थी और 2 साड़ी मैंने बाद में ऑर्डर किया था। मैं अंदर से बहुत डर रही थी, पता नहीं कैसी होंगी साड़ियाँ, ऑर्डर तो कर दिया है पर ऑनलाइन किया ना, तो पता नहीं कैसा होगा, सब बोल रहे थे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कैसा है। इस बार मैंने फिर से ऑर्डर की है साड़ियाँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसी हैं साड़ियाँ। बहुत अच्छी हैं। एक साड़ी ये है येलो और रेड में है, ये इसका ब्लाउज है जो कि बहुत सुंदर लगा। मैंने मतलब इसको ब्लाउज देख के ही मैंने इसको ऑर्डर किया था, पर मैं डर रही थी जैसा दिखा रहे हैं वैसा इसमें नहीं आएगा, क्या पता मुझे ऐसा रिसीव ना हो, लेकिन बहुत अच्छा रिसीव हुआ है। और ये बनारसी में है इसका ब्लाउज ये, और इसमें मतलब फुल ब्लाउज भी मैं स्टिच करवा सकती हूँ, तो इसकी वजह से मैंने स्पेशली इसको ऑर्डर किया था ये वाली साड़ी। तो ये बनारसी कपड़े में है तो बहुत अच्छी है। और ये पूरी साड़ी जो है ये सिफॉन में है, बस इसका जो बॉर्डर है ये बनारसी में दे रखा है। तो बहुत सुंदर थी साड़ी, जैसा दिखाया था फ्लिपकार्ट में सेम वैसे ही रिसीव हुई, इसकी वजह से बहुत खुशी हो रही है, और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, तो इस वजह से बहुत खुशी हुई है। मुझे बहुत पसंद आई है स्पेशली ये वाली साड़ी, क्योंकि ये मुझे जैसा दिखाया गया था फ्लिपकार्ट में वैसा ही सेम मुझे रिसीव हुई है ये साड़ी। और ब्लाउज़ इसका तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत सुंदर है ये ब्लाउज़। स्टिच करवा के मैं, हो सकता है मैं इसकी फ़ोटो शेयर करूं, तो बहुत अच्छी है ये साड़ी। और नेक्स्ट साड़ी एक और है जो मैंने मम्मी के लिए ऑर्डर किए थे, ये वाली साड़ी, ये भी रेड में है। पर ये 8 सिल्क साड़ी में थी, ये भी मुझे जैसा ही मैंने वहाँ पे देखा था मुझे सेम वैसी ही रिसीव हुई साड़ी, इसकी वजह से ये इसकी क्वालिटी और इसका क्लॉथ्स जो भी है सब बहुत पसंद है। ये इसका आंचल है,
और इट्स वेरी गुड, और साड़ी भी बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये सिल्क में है पर बहुत अच्छी है और मुझे तो बहुत पसंद आई, पर ये मैंने मम्मी के लिए ऑर्डर किया हुआ है। तो ये साड़ी बहुत ही प्यारी है। नेक्स्ट साड़ी एक और है जो मैंने ऑर्डर किया हुआ था, इसकी ब्लाउज की वजह से एक्चुअली मैंने इसको ये वाली साड़ी भी मैंने ब्लाउज की वजह से ही ऑर्डर किया है। ये पिंक और ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट था, मतलब ये बॉर्डर ये भी किसने था, इसका बॉर्डर भी बनारसी में है और कपड़ा जो है वो है सिल्क का एक्चुअली, पर ये मुझे थोड़ा सा कम पसंद आई है। ये मुझे थोड़ा सा कम पसंद है, बट इसका बॉर्डर बहुत प्यारा उसमें दिख रहा था, लेकिन ये जैसा मैंने सोच के रखा था ना ये वैसी नहीं आई है, तो इससे मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई कम हूँ। पर ये भी बहुत प्यारी साड़ी है और इसका ब्लाउज भी बहुत अच्छा है। इसका ब्लाउज ये भी ना सिल्क मतलब बनारसी में है, दूर से भी ये बहुत शाइन करता है, इसका जो ये प्रिंट है ये बहुत शाइन करता है, और मतलब नाइट में जब भी हम पहनेंगे ना तो भी ये बहुत शाइन करेगा और दिन में पहनने से भी ये बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। तो इसकी वजह से ये मुझे बहुत पसंद आई थी, ये दोनों साड़ियाँ मैंने ऑर्डर कर लिया था। हो सकता है मैं इसको चेंज कर दूँ, शायद मुझे ये थोड़ा सा कम पसंद आ रही है, पर ब्लाउज इसका बहुत प्यारा था और मुझे ऐसी साड़ी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इस अपने लिए ऑर्डर की थी। पर बहुत प्यारी हैं तीनों साड़ियाँ, तो मैं फ्लिपकार्ट से बहुत खुश हूँ कि हाँ फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर सकते हैं। और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसको आगे नहीं बढ़ाना, इसलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं।